व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैंक कस्टम और मैं हूं भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का गाइस, वो आप पीछे देख ही सकते हैं, खड़ी हुई है जो ये थार है, इसका जो आगे का फ्रंट माउथ है, इसके बारे में हम आज मेन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। होप आपको जो इसका पीछे वाला माउथ है ये पसंद आ रहा होगा। बाकी की जो चीज़ें इसमें जो डिटेल मॉडिफिकेशन हो रखी है इस वीडियो में, उस बारे में बात करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फुल वीडियो, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप पीछे खड़ी देख ही सकते हैं। सो गाइस अब मेरे सामने आप देख सकते हैं इस थार को, और ये थार मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में डाल चुका हूँ। इस थार में जो नई चीज़ है वो इसकी आगे की फ्रंट ग्रिल। होप आपको जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो बढ़िया लग रही होगी, क्योंकि काफ़ी आगे से ना एकदम ट्रांसफॉर्मर टाइप की लुक दे रही है गाड़ी। मतलब थार तो लग ही नहीं रही है किसी भी एंगल से ये गाड़ी। सो गाइस एक पहले वॉक अराउंड करवाता हूँ आपको इस गाड़ी का। होप आपको ये गाड़ी पसंद आएगी, क्योंकि चारों तरफ से काफ़ी सही बना रखी है, बढ़िया इस पे काम करा रखा है गाइस, और ख़र्चा भी सही हो रखा है इस गाड़ी के ऊपर। तो ये इसकी बैक लुक है, फिर मैं आपको इसका टोटल क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ आगे से। सो ये पूरा का पूरा जो फ्रंट माउथ है गाइज, ये पूरा का पूरा कम से कम आपको 20 से 25,000 रुपए के बीच में पड़ेगा। सामने जो पूरा का पूरा फ्रंट माउथ है ये पूरा चेंज है। इसके अंदर DRL विद एंजल लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। उसके अंदर जो DRL है वो एंजल लाइट है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इसके साइड फेंडर्स की। एक्सटेंडेड साइड फेंडर्स हैं गाइज, यहाँ पे ये वाले थार के साथ आते हैं बट इन्होंने दूसरे लगवा रखे हैं, ये एक्सटेंडेड साइड फेंडर्स हैं। उसके बाद एम्प्टी टायर्स लगे हुए हैं गाइज, रेडियल एम्प्टी टायर्स लगे हुए हैं। ऑफ रोड ड्रम लगे हुए हैं इसमें 16 इंच के, ये है इसके एम्प्टी टायर्स। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे पीछे रियर बम्पर की गाइज, तो फुल मेटल रियल बम्पर है, कपलर 4x4 से बना हुआ है। इसमें जो हुक्स हैं वो भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ये जो हुक्स हैं ये बढ़िया लग रहे हैं गाड़ी के अंदर। पीछे रियर बम्पर काफ़ी ह्यूज और हैवी रियर बम्पर है पीछे, आप देख सकते हैं। रियर टायर भी इन्होंने लगवा रखा है विद रिम। हर हर महादेव के फैन है तो हर हर महादेव का एक टैटू बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रही है पीछे से गाड़ी। होप आपको वीडियो और गाड़ी दोनों पसंद आ रही होंगी गाइज। अगर आपको गाड़ी पसंद आ रही है तो एक वीडियो पर लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके हार्ड टॉप की बात करेंगे गाइज, ये पूरा का पूरा मेटल हार्ड टॉप है विद ग्लास। तीनों साइड जो है इसके ग्लास है, जो तीनों साइड हैं पूरा का पूरा ग्लास है। यहाँ पे ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो माउस लाइट्स लगी हुई हैं, ये यहाँ पे ये पूरी माउस लाइट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर का इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। आगे भी जो है वो माउस लाइट्स लगा रखे हैं इन्होंने छत पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पूरी की पूरी छत पे जो है माउस लाइट्स लगी हुई हैं गाइस इसके ऊपर। उसके बाद हम इसकी आगे की लाइट्स की बात करें तो इन्होंने आगे ये लाइट्स लगवा रखी हैं जो रात को बहुत बढ़िया लगती हैं चलते हुए। एक बार लाइट लगवा रखी है, पतली वाली बार लाइट लगी हुई है, LED लाइट्स लगी हुई हैं साइड्स में, आगे से बार लाइट लगी हुई है। तो टोटल जब आप चल के, जैसे आपको अभी सिनेमैटिक शॉट दिखाया, होप आपको उसमें ये लाइट्स जो हैं पसंद आई होंगी। उसके बाद हम इसके इंटीरियर की बात करेंगे। सो गाइस ये है इसके इंटीरियर्स, एकदम इसमें जो सीट्स लगी हुई हैं बकेट फिट सीट्स हैं ब्लैक कलर की। हैंड रेस्ट कंसोल लगा हुआ है यहाँ पे, हैंड रेस्ट है ये, ओपनेबल हैंड रेस्ट है, खुल सकता है स्टोर करने के लिए। आपकी मैटिंग्स लगी हुई हैं इसके अंदर, एक एल्युमिनियम शीट लगी हुई है गाड़ी के अंदर नीचे। सो ये है इसकी बैक साइड, जो उन्होंने सीट्स हैं वो जो नॉर्मल थार में आती हैं वैसे ही करवा रखी हैं। उसके बाद जो ऊपर है इसमें जो पूरा का पूरा इसके जो रूफ है वो एकदम की लेदर स्टिच रूफ है, एकदम सॉफ्ट रूफ है, आप देख सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत सॉफ्ट है, लेदर स्टिच्ड है। उसके बाद यहाँ पे आगे Panasonic का टच स्क्रीन डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ पे साउंड के लिए। इन्होंने म्यूजिक सिस्टम में ज़्यादा नहीं खर्चा कर रखा, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी स्पेस कम था। सो ये है इसकी बकेट फिट सीट्स। होप आपको गाड़ी बहुत पसंद आ रही होगी गाइस। अब हम इसके बाहर की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके पावर विंडो के बारे में। तो यहाँ पर पावर विंडो लगी हुई है गाइस, जो कि दोनों शीशे आगे वाले उतार देती हैं। पावर विंडो लगी हुई है, बाहर से लगवाई है उन्होंने पावर विंडो। सो जो गाड़ी है
ऑल ओवर सही बनी हुई है गाड़ी, और ये गाड़ी फॉर सेल है। अगर आपको गाड़ी पसंद आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके कभी भी इस गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। गाड़ी पूरी की पूरी एकदम तैयार हो रखी है गाइस, कोई कमी नहीं है गाड़ी की, यहाँ पे आप कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं फुल रेडी हो रखी है थार। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो और गाड़ी दोनों पसंद आई होगी। एक वीडियो पे जरूर लाइक बनता है गाइस। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको ये जो थार है ये पसंद आई होगी। गाइस ये गाड़ी फॉर सेल है, अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कभी भी इस गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स आपको लेके आता रहूँगा गाइस। मेरी वीडियोस को गाइस इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।